सो व्हाट्स अप गाइस, ठग बाय हियर। तो आज हम बात करते हैं विराट कोहली वर्सेस सुनील गावस्कर के बारे में। तो क्या इन दोनों के बीच कोई कंट्रोवर्सी हो गया है? आपको पता होगा कुछ लोग विराट कोहली को उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो विराट कोहली उन लोगों को रिप्लाई दिए थे, वो कही कि जो भी लोग मेरे स्ट्राइक रेट को लेकर बोलते हैं, मेरे लिए गेम जितना इंपॉर्टेंट है और मैं 15 साल से यही करता आ रहा हूँ। तो जो भी लोग मेरे स्ट्राइक रेट को लेकर बोलते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद सुनील गावस्कर इस चीज़ को अपने ऊपर लिए एंड वो एक इंटरव्यू में बोले, All these guys talk about we don't care about outside noise, then why are you replying any outside noise or whatever it is? We all played a bit of cricket, not a lot of cricket. We don't have agendas. We speak what we see. तो guys अब बात करते हैं रजत दलाल वर्सेस जॉय ज्योति के बारे में। आपको पता होगा इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो गया था। जॉय ज्योति का उस टाइम पे कहना था कि रजत दलाल ने उनके साथ स्कैम किया है एंड रजत दलाल ने इन सभी एलिगेशन को डिनाई कर दिया था। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी टाइम तक कॉन्ट्रोवर्सी चलते रहा। तो अभी रजत दलाल ने जॉय ज्योति के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। यस, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखो। तो भाई ये मैंने मूत दिया तुम्हारे जॉय ज्योति पे 50 लाख का, जा लाइव, बहुत दिन प्यार से संभाला था। तो गाइस अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। आपने कई तरह के पॉडकास्ट देखे होंगे, तो आशीष चंचलानी पॉडकास्टर्स को ट्रोल करते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किए थे, आप देखो। वेलकम बैक टू माई पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आपको क्या लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट? मुझे लगता है आप पर्वर्ट हो। कैन समवन हेल्प मी प्लीज, टेल मी समथिंग दैट ब्लोज योर माइंड। Fact that my chest is the back of my back, but my back is not the chest of my chest. I am getting chest bumps. I'm scared. जिंदगी में सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? Expectations. My father. My father's expectations. Expected goosebumps. Are you stupid? अपनी माँ के बारे में चंद शब्द। माँ के बारे में, I think माँ, she's the wife of my father. तो गाइस अब बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी को अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सौरभ जोशी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे जहाँ पर वो बताए कि उन्होंने कुनाली को गेमिंग पीसी लेके दिया। तो बहुत सारे लोग सौरभ जोशी को बोलने लगे कि उन्होंने गेमिंग पीसी नहीं लेना चाहिए था क्योंकि कुनाली अभी बहुत छोटा है। आप कुछ कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया, उम्र से पहले चीज़ें मिलने लगी तो वो फायदे से ज़्यादा नुकसान करती है। एक और बंदे ने कमेंट किया, नाउडेज अ कुनाली बिहेवियर इज चेंजिंग, उसको लगा है कि सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, मिस्ट्री बॉक्सेस एंड अब ये पीसी, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर हिज फर्दर स्टडीज। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। तो गाइस अब बात करते हैं यूकी 07 राइडर वर्सेस अरमान मलिक के बारे में। आपको पता होगा यूकी 07 राइडर ने सभी यूट्यूबर्स को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया था एंड उस चैलेंज को अरमान मलिक ने एक्सेप्ट किया, लेकिन यूकी 07 राइडर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अरमान मलिक यूकी 07 राइडर को ट्रोल करते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किए थे, आप देखो। तो यूके राइडर कहाँ छुप के बैठा बेटे, मैं स्पेशली दुबई आया हूँ बॉक्सिंग सीखने और सिंगल टेक में तेरे को ढेर कर देंगे। तूने मेरा वो चैलेंज भी नहीं लिया जिसमें मैंने हाथ बांध के बोला था। और यहाँ पे भाई इनके टीम के एक दो लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ तुम्हारा बॉक्सर? सर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, हमें नहीं पता वो बॉक्सर कहाँ चला गया, कौन से बिल में जाके छुप गया है, माफी चाहते हैं। चूड़ियां तो नहीं पहन ली उसने? मुझे ऐसा लग रहा है चूड़ियां तो पहन ली है उसने 1001%। तो एक बात और बोलना चाहूंगा, जगह जगह मीटअप कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता तू अपनी शक्ल कैसे दिखा पाता वहाँ पे। मतलब तूने पूरे सोशल मीडिया पे चैलेंज किया था कि आ मुझसे लड़, मैं अकेला नहीं हूँ अब तो बहुत सारे लोग हैं, किसी से तो लड़ ले, शर्म कर ले थोड़ी सी। मैडम एक काम करना, मेरे बैग में ना चूड़ियां लेके आए, उसको देना जाके। सर मुझे अभी दे दो, जैसे वो बिल से बाहर निकलेगा ना सबसे पहले चूड़ियां ही पहनाऊंगी उसे। तो भाई हाथ बांध के देखो, ऐसे हाथ बांध के बॉक्सिंग करेंगे यूके के साथ, तो ये वीडियो उस नकली को पहुंचा देना। जय हिंद। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। साथ ही थक भाई को सब्सक्राइब करो बिकॉज यहाँ पर आपको यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े इंटरेस्टिंग न्यूज मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।